हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हों। और मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी, और आप देख रहे हैं लिव लाइव इज सजावट। तो ये है साबुत अरहर। आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम इसकी अरहर की दाल बनाते हैं और इसे हम स्टोर करेंगे। तो यह है मुख दरस टैबलेट। इसका इस्तेमाल होता है जब हम कोई साबुत अनाज होता है या खाने के आइटम होते हैं उसमें कीड़े ना लगे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है टैबलेट, और इसकी जो दिखती है ना, ये बिल्कुल सतमोला या हाजमोला की तरह दिखती है। जब मेरी शादी हुई थी उस दरमियान मेरी सासू माना इसको छुपा के रखती थी मुझसे कि मैं इसे देख ना लूँ। उन्हें लगता था शायद मैं सतमोला या हाजमोला समझ के इसको खाना जाऊँ, और इसे अगर हम खा लें तो हम सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखती है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो कि काफ़ी हेल्थी होती है और लाइट भी होती है खाने में। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकाल रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं और लहसुन प्याज का नहीं बनता है तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकाल लेते हैं। और यह है साबूदाने की खिचड़ी, दही के साथ मैंने सर्व किया है इसको, क्योंकि अगर हम खाली साबूदाने खिचड़ी खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाती है वो, इसीलिए। आइए आप भी खा लीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, जब भी किचन में खाना बनता है तो हमेशा किचन गंदी हो जाती है, और मॉर्निंग के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, इसलिए मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और कैसे साफ़ कर रही हूँ वो आप मुझे देख सकते हैं। यहाँ जो मेरे किचन में टाइल लग रही हैं ये वाइट कलर की हैं, और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। हल्दी के दाग लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ के दाग लग जाते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रॉफ ब्रांड का। ये टाइल, फ्लोर, सेरेमिक चीज़ें होती हैं, उसे क्लीन कर देता है। कितनी भी टफ स्टेन हो वो भी क्लीन हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो शाइन होती है पत्थर की या टाइल की वो ख़राब नहीं होती है। बहुत ही फास्ट ये वर्क करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इससे हमारे जो हाथ हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। लिक्विड फॉर्म में ये आता है, और जितने भी मेरे दाग धब्बे होते हैं ना पत्थर पे, वो सब क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि वाइट कलर के हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है मेरी जो टाइलें हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। रॉफ ब्रांड का है, साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। 160 रुपीज़ इसका प्राइस है, और ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, और हफ्ते दो हफ्ते में मैं हमेशा अपनी इसको क्लीन करती रहती हूँ रॉफ के साथ। तो आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला पाउडर। तो ये खड़े मसाले हैं जो मैंने मंगवाए हैं। मैं इनमें देख रही हूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इसमें लौंग और जीरा नहीं है, जो कि मुझे ऐड करना है। शायद जिन्होंने ये बनाया है उनको नहीं पता है कि गरम मसाले में लौंग और जीरा भी ऐड किया जाता है। तो मैं देख रही हूँ इसके अंदर कुछ और तो नहीं है, बाकी मैं इसमें अभी लौंग और जीरा ऐड कर दूँगी। तो इस साबुत लौंग मैं लेकर आ गई हूँ किचन में से, और मैं हमेशा अपने किचन में साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च ज़रूर रखती हूँ, आजकल तो ख़ास तौर से, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है और गर्म तासीर वाली चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए इस दरमियान। तो मैंने जीरा भी ऐड कर दिया है, और अब मैं मसाले को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए गरम मसाला पाउडर बनकर तैयार है। जब आप घर में गरम मसाला पाउडर बनाते हैं ना, जो उसकी खुशबू होती है वो लाजवाब होती है। तो आज मैं आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ मंगवाती हूँ ऑनलाइन, तो 2-3 दिन तक मैं उसे कॉर्नर में रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसे ओपन करती हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और देख लीजिए इसके अंदर क्या है।
तो ये है गार्बेज बैग्स जो कि 4 पैक में आते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। तो ये है गार्बेज बैग और ये मीडियम साइज़ है। इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लैक एंड स्काई ब्लू कलर। मुझे ब्लैक कलर पसंद है इसलिए मैं हमेशा ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ। मुझे इसे यूज़ करे हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं इसका रिव्यू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो डस्टबिन है वो मीडियम साइज़ का है तो मैं हमेशा मीडियम साइज़ ही मंगवाती हूँ। इसमें आपको स्मॉल एंड एक्स्ट्रा लार्ज भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी है क्वालिटी, ऑसम है इसकी। और इसमें आपको 30 मिलते हैं, एक रोल में आपको 30 मिलेंगे, यानी कि आपका 1 महीना चल जाएगा। और ये मुझे 4 मिले हैं तो ये मेरे 4 महीने चल जाते हैं आराम से। अब मैं आपको इसे अंदर से दिखाती हूँ किस तरह का होता है ये। तो ये ब्रांड है, ये शालीमार ब्रांड है ये, और इसी ब्रांड को मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 से 2 साल से। बाकी और भी काफ़ी सारे ब्रांड में आते हैं बट मुझे ट्रस्ट नहीं है इसीलिए। ये देखिए इस तरह से आता है अंदर से। तो जो ये एक है इसका साइज ये है। यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, इस पर ये निशान दे रखा है, यहाँ से कट हो जाएगा इस तरह से। और इसके साथ आपको एक डोरी भी मिल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह के मिलते हैं ऑनलाइन जिसके साथ डोरी नहीं मिलती है, बट इसके साथ डोरी मिल जाएगी आपको कि आप इसे पैक करके फिर अच्छे से पैक सकते हैं। तो ये इसका साइज है और ये देखिए डोरी है इसकी। ये तो इतनी बड़ी डोरी आपको मिल जाएगी, आप इसे यूज करने के बाद अच्छे से पैक कर सकते हैं इसे। ये देखिए काफी अच्छा गार्बेज पैक है। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। मैं लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी और इसका प्राइस मैं आपको साइट में शेयर करूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है, आई थिंक 200 के आसपास है। वैसे इस पर कभी भी डिस्काउंट मुझे आज तक नहीं मिला है। और आज मैं ये वाले फुटवेयर पहनकर छत पे जाने वाली हूँ घूमने के लिए। और ये फ्लैट हैं, जिन्हें फ्लैट फुटवेयर पसंद है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे ले सकते हैं। हालांकि मैं मोस्टली फ्लैट फुटवेयर नहीं पहनती हूँ, थोड़ी बहुत हील मुझे ज़रूर चाहिए होती है क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ इसीलिए। बट अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे और इसे कैरी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगने वाले हैं। ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइन ना बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए और इसमें वेलवेट टच दे रखा है। बैक साइड से भी बहुत अच्छे हैं ये, बिल्कुल भी पानी में स्लिप नहीं होंगे। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, आप देख सकते हैं स्लिम है काफ़ी। और इन्हें पहनने के बाद ना एक सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें 2 कलर थे पर मैंने ब्लैक लिया है, आई थिंक एक मरून कलर भी था इसमें। तो ये लीजिए, शाम हो चुकी है और हम आ गए हैं छत पर घूमने के लिए। सासू माँ कहती हैं घूमना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आधे घंटा ज़रूर वॉक करते हैं छत पर। पहले स्लोली स्लोली करते हैं फिर फास्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लग रहे हैं पहनने के बाद। और मैंने ज्वेलरी कुछ स्पेशल इसके साथ कैरी नहीं कर रखी है, जो मैंने डेली में पहन रखा है बस उसी के साथ मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने हैवी पायल पहन रखी है और अच्छी लग रही है देखने में। इसके साथ मैंने डार्क पर्पल कलर की नेल पॉलिश लगा रखी है और डेली मैं पहनने वाले अपने टोरिंग पहन रखे हैं, बट फिर भी अच्छा खासा लुक आ रहा है। अगर आपको ये फुटवेयर पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझे लिंक मिलेगा इस फुटवेयर का तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं कि आपने ये फुटवेयर कहाँ से लिए, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर इसका लिंक शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना है ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलती हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।